आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। अभी की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा नई भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा, पेट लागू होगा या नहीं होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अदर चैनल के माध्यम से आपको बताया गया है कि पेट लागू होगा, 100% पेट लागू होगा, बिना पेट के किसी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। आज के समाचार पत्र को आपने पढ़ा होगा, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन आपने उसे समझने का प्रयास नहीं किया। पेट के संबंध में जानकारी आज के समाचार पत्र में थी, आप सोच रहे होंगे कैसे थी, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पेट के संबंध में आज के समाचार पत्र में क्या जानकारी थी। वैसे तो अदर चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है, पेपर की कटिंग दिखाई जाती है, पढ़कर सुनाया जाता है, लेकिन आपको हो सकता है समझाने का प्रयास ना किया जाता हो, उस पर फोकस ना किया जाता हो, या खुद समझना नहीं चाहते हो, पेपर की कटिंग दिखाकर संतुष्ट कर दिए आपको, आप खुश हो गए, लाइक का बटन दबा दिए, हमें डिसलाइक कर दिए। मैं जानता हूं आप लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मैं फैक्ट बोलता हूं, 100% अथेंटिक बोलता हूं, आज नहीं तो कल वही होता है जो आज बताता हूं। हाँ, कुछ बातें हमसे भी गलत होती हैं, ईश्वर हूं नहीं, क्योंकि मैं भी किसी के अधीन हूं, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं अध्यक्ष नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, किसी के अधीन हूं, और किसी के माध्यम से जानकारी मिलेगी तो गलत हो सकती है, क्योंकि माध्यम किसी दूसरा है, किसी दूसरे के माध्यम से जानकारी मिलती है। अगर वहां बात पलटी जाएगी तो मैं भी बात पलट दूंगा, या तो वो बात पलट दे, मुझे जानकारी ना मिले, तब मेरी बात गलत हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। मैं भी प्रतिदिन सुबह पेपर की कटिंग दिखाता हूं, कोई ऐसी खबर नहीं होगी जो मेरे चैनल के माध्यम से आपको ना दी जाती हो। आज के समाचार पत्रों में जो भी खबर छुपी हुई है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, कुछ भी छपा हो, हर एक खबर के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। आइए बात कर लेते हैं पेट के संबंध में। आपने समाचार पत्रों को पढ़ा होगा और इसी तरह आपने पढ़ा होगा, ऐसे पढ़ा होगा, मैं आपको बता दूं, नगर निकायों में 488 पदों पर जल्द की जाएगी भर्ती, और धीरे धीरे आपने पढ़ लिया होगा, बस मेन मेन पॉइंट आपने पढ़ दिया, लेकिन आपने उसको समझने का प्रयास नहीं किया। अगर आज की जो खबर है निकायों में भर्ती को लेकर, अगर यह खबर सही है और निकायों में भर्ती होने वाली है, तो आप मान लीजिएगा कि पेट लागू नहीं होगा, 100% गारंटी के साथ कहता हूं। कैसे? आज के समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सभी सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के निर्देश के बाद निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय ने विभिन्न संवर्गों के 488 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा है। आयोग के स्तर से भर्ती के संबंध में जल्द विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। देखिए, जल्द विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, और पेट लागू होगा तो किसी का विज्ञापन आएगा नहीं। अगर इसमें जल्द लिखा है तो एक नहीं, दो नहीं, 3 माह के अंदर आएगा। जल्द का मतलब क्या होता है? साल भर नहीं होता है, 3 माह, अधिकतम 4 माह। तो 3 माह अगर हम जोड़ते हैं तो अधिकतम जनवरी या फरवरी। अगर पेट होता है तो दिसंबर में अगर पेट का नोटिफिकेशन जारी होता है तो 1 माह कम से कम आवेदन प्रक्रिया चलेगी, 1.5 से 2 माह बाद एग्जाम होगा, 1 से 1.5 माह बाद रिजल्ट आएगा, मार्कशीट आएगा, तो कुल मिलाकर मई और जून चला जाएगा। और इसमें कहा गया है कि समूह गा की पदों पर जो 488 पद हैं उसका विज्ञापन जल्द आएगा। चलिए, राजेश लेखपाल भर्ती का अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास, स्टेनोग्राफर भर्ती का अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास, निकायों में भर्ती के लिए अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात, तो इत्यादि प्रकार की भर्तियों का अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया है। चकबंदी लेखपाल का अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास, और सरकार चाहती है कि 2022 चुनाव के पहले भर्ती हो जाए, कुछ भर्तियां हो जाए, कुछ अधूरी रहेंगी तो चलेगा, लेकिन कुछ तो पूरी होनी चाहिए। अगर पेट लागू हो गया तो किसी भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, किसी का जारी नहीं होगा, और जारी भी होगा तो भर्ती पूरी नहीं होगी, 100% गारंटी के साथ मैं आपको सटीक जानकारी दे रहा हूं। आपने इस पॉइंट को नहीं पढ़ा, ना आपने समझने का प्रयास किया कि यहां पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेज दिया गया है, आयोग के स्तर से भर्ती के संबंध में जल्द विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, जल्द विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, ऐसा नहीं लिखा गया है कि भर्ती की जाएगी, भर्ती की योजना बनाई जा रही है, ऐसा नहीं, जल्द भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो आप मानकर चलिए कि पेट लागू नहीं होगा अगर यह खबर सही है,
और जो मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि किसी भी कीमत पर पेट लागू नहीं होगा, कोई अपना किरकिरी नहीं कराएगा, क्योंकि बिहार की स्थिति आप देख रहे हैं, वहां पर केवल रोजगार का मुद्दा है, सरकारी नौकरी का मुद्दा है, वह सबसे बड़ा मुद्दा है और सब मुद्दे पीछे चले गए हैं। तो जब बिहार की यह स्थिति है तो उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति होगी, आप लोग सोच सकते हैं। तो इसके मद्देनजर सरकार यह कभी नहीं चाहेगी कि पेट लागू करके सब मटिया पलित कर दिया जाए और कोई भर्ती पूरी ना हो और बाद में युवा हमें वही स्थिति पैदा करे जो बिहार में है, क्योंकि सरकार भी डर रही है। भले ही कुछ भी हो, किसी प्रकार का डर ना हो, धरने का कोई भी असर ना हो, लेकिन जो बिहार की स्थिति है, मैं तो कह रहा हूं कि मैं भी बेईमानी कर लूं, आप भी बेईमानी कर लें तो अलग बात है, बेईमानी अलग बात है। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो काउंटिंग चल रही है उसमें तो कह रहे हैं ट्रंप जी की बेईमानी हुई है, क्योंकि बिडेन वहां पर राष्ट्रपति बन रहे हैं और कह रहे हैं कि बेईमानी हुई, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और जबकि वहां पर बैलेट पेपर से मतदान होता है। वहां पर आप मतदान देने के बाद दो तीन दिन बाद पहले आप मतदान दे सकते हैं, मतदान कर सकते हैं दो तीन दिन पहले, उसके बाद आप परिवर्तन भी कर सकते हैं। आप ट्रंप को नहीं देना चाहते तो बिडेन को दे दें, बिडेन को देना नहीं चाहते तो ट्रंप को दे दें, इसका भी ऑप्शन वहां पर है। आप अंतरिक्ष से भी अपना मतदान कर सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है, भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो यह सब व्यवस्था होने के बावजूद अगर वहां आरोप लग सकता है तो यहां तो ईवीएम मशीन है, यहां इलेक्ट्रॉनिक सामान है, तो यहां आरोप लगना तय है, इसमें दो राय नहीं है। और वहां पर बिडेन जीत रहे हैं, जिनका जीतना लगभग तय हो गया है, आप मान कर चलिए कि राष्ट्रपति बन गए, जो समाचार पत्रों के माध्यम से आपको जानकारी मिली है, जो न्यूज चैनलों के माध्यम से आपको जानकारी दी जा रही है और जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। तो अगर पेट लागू होता है तो आप मानकर चलिएगा एक दो तीन, मैं आपको दे रहा हूं देहाती भाषा में बता रहा हूं कि आप तीन तक काउंट कर लीजिए, कोई भी भर्ती पूरी नहीं होगी, और सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश का रोजगार सरकारी नौकरी का होगा। वहां पर जब पूछा गया बिहार में कि बीजेपी सरकार ने तो 19 लाख रोजगार की बात की है, तो युवा क्या कह रहे हैं, वो तो रोजगार की बात है ना, सरकारी नौकरी की बात कितनी की गई इसके बारे में बताइए। और जो आरजेडी है बिहार की पार्टी, उनका कहना है कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, उन्होंने खुले तौर पे कहा जैसे ही मेरी पहली कैबिनेट बैठक होगी हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और बीजेपी करे हम रोजगार देंगे। तो रोजगार मतलब क्या हुआ, सो रोजगार करो, लोन लो वगैरह वगैरह, रोजगार के अंतर्गत सब कुछ, पकौड़ा तलना भी रोजगार के अंतर्गत आता। तो देखिए मैं फैक्ट बोलता हूं, सत्य बोलता हूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं, आपको मेरी बातें पसंद नहीं आती इसीलिए मैं भी पेपर की कटिंग सुबह दिखाता हूं, लेकिन एक एक खबर को आपको बताता हूं। 9 से लेकर 11 बजे के बीच मैं पेपर की कटिंग की वीडियो छोड़ता हूं, एक एक खबर से मैं आपको अवगत कराता हूं, एक एक जानकारी देता हूं, शॉर्ट में देता हूं, लेकिन आपको समझ में सारी बात आएगी, एक भी खबर आपसे मिस नहीं होने पाता है समाचार पत्रों की। मैं जानकारी खुद कलेक्ट करता हूं, उसके बाद भी आपको जानकारी देता हूं, एक एक पॉइंट समझाने का प्रयास करता हूं, तब भी आपको कोई भी जानकारी पसंद नहीं आती। क्यों? क्योंकि आप अंधे हो चुके हैं, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, आपको इससे कुछ मतलब नहीं है। बस आपको लॉलीपॉप दे दिया जाए कि 25,000 वैकेंसी आने वाली है, इस महीने आ जाएगी, बस आप लाइक ठोक देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, आपके अंदर यही कमी है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आंखें खोलिए, अंधभक्ति में मत जीए, और अंधभक्ति से आप दूर होइए और कुछ अपने दिमाग का भी प्रयोग करिए। हम जानते हैं आप पीसीएस की तैयारी करते होंगे, आप आईएएस की तैयारी करते होंगे, तो मैं यहां पर वैसे नहीं बैठा हूं, बीएससी एजी मैं भी हूं, एमएससी एजी मैं भी हूं, वीडियो परीक्षा क्वालिफाइड हूं, कई परीक्षाएं क्वालिफाइड, लेकिन मैं वीडियो छोड़ दिया हूं। मैं आपको जानकारी इसके संबंध में मैंने एक एफिडेविट का वीडियो बनाया, उसमें मैंने अपना सब कुछ बताया जो मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगाया था, सब कुछ रियायत देती हूं, सब कुछ छोड़ चुका हूं। लखनऊ विश्वविद्यालय संगीत विश्वविद्यालय है लखनऊ में, आप जानते होंगे डीम यूनिवर्सिटी भातखंडे, उससे भी संगीत में विशारद हूं। कौन सी डिग्री मेरे पास नहीं है, आपसे कम योग्य नहीं हूं, लेकिन मैं आपकी बातें सुनता हूं, इसलिए
क्योंकि आपसे मुझे कुछ सीखने को मिलता है, आपकी बातों से मुझे कुछ जानकारी मिलती है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, क्या पसंद करते हैं, सही की पहचान है, गलत की पहचान, सब कुछ मैं आपसे सीखता हूं। मैं सब कुछ किया हूं भैया, ऐसे नहीं बैठा हूं। लेकिन मेरा शौक है, ईश्वर ने पैसा दिया, अगर मैं सरकारी नौकरी करूंगा तो 20 से 25 हजार पाऊंगा, 30 हजार, इससे ज्यादा मैं पाऊंगा, और उससे ज्यादा मेरे पास है। अगर सोच से मेरे पास पैसा है, मैं बिजनेस करूंगा पैसा, तो वो मेरे लिए बेटर है कि सरकारी नौकरी मेरे बेटर है। लेकिन कुछ को मान सम्मान चाहिए, तो मैं वीडियो बनाता हूं आपके लिए, इसमें मुझे खुशी मिलती है, एक क्रेडिट फील होता है। आपको जानकारी देता हूं, आप कहते हैं बहुत अच्छा सर, लाइक कर देते वीडियो, मुझे इतनी संतुष्टि मिलती है, मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा और मैं आपको समझा भी नहीं सकता हूं। तो आप मान कर चलिए पेट लागू नहीं होगा। अगर आज के समाचार पत्र में जो खबर छपी हुई है, जो मैं आपको बताया हूं, उसमें लिखा गया कि जल्द प्रकाशित किया जाएगा विज्ञापन, अगर प्रकाशित विज्ञापन जल्द होने वाला है, तो आप मान कर चलिए पेट लागू होने वाला नहीं है। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।